एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और आज का ब्लॉग मैंने आज अभी शूट किया है क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी दिखाता हूँ एक्टिविटी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सुबह नहाने धोने में 11-12 बज जाती है तो फिर टाइम नहीं मिलता। सो अभी इंजॉय करना ब्लॉग को, तो दिखाता हूँ कौन क्या कर रहा है। स्टार्टिंग में आपको दिखाता हूँ, ये देखो इतने सारे कपड़े के पीस है हमारे पास, लगभग 150 से ज़्यादा है इतने कपड़े, इतने कपड़े हमने खरीदे हैं, सॉरी खरीदे नहीं है, कोई काम करना होता है इनमें पीसेस में, ये वाली चीज़ें। ये कॉन्टेक्ट भाभी जी ने लिया है। सो और दिखाता हूँ कौन क्या कर रहा है। सो आज हमारे बन रही है छोले, आलू छोले की सब्जी, पराठे और कुक, मम्मी कुक बना रहे पराठे वराठे, छोले की सब्जी के लिए सभी सामान तैयार हो रहा है। सो आज खाएंगे छोले की सब्जी, बहुत दिनों बाद छोले बहुत दिनों से पड़े हुए थे तो हमने सोचा कि खराब होने से बढ़िया बना ले, और पराठे, और पापा और भैया भी डूब। सो भाई 6 बजने को आई तो भी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी ना बारिश होती है तो फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही है। और ये अपना किराए का रूम है जयपुर में, और बाहर का एरिया दिखाता हूँ मैं। भैया 8 बजे आते हैं और पापा 7-8 बजे, पापा भी मतलब बराबर ही आते हैं। सो ये हमारे आसपास का एरिया, इधर अधिकतर रेंट वाले रहते हैं क्योंकि कच्ची बस्ती नहीं, मतलब अधिकतर काम करने वाले रहते हैं। और भाई मैंने कटिंग वटिंग करवा ली है, लेकिन कटिंग बिगाड़ दी कटिंग वाले ने, मतलब हर कहीं कटिंग करवाने का मन नहीं करता। भाई मैं बहुत जल्दी अब DSLR मतलब कैमरा खरीदूंगा, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं, लेकिन वो आएगा अंडर 30-40 हज़ार का, तो आएगा 30 हज़ार तो नॉर्मल मान के चलो, अगर मैं किसी से पुराना लेता हूँ तो भी 20-25 हज़ार लगेंगे। सो लूँगा, देखते हैं। सभी बोलते हैं कि यार वीडियो में क्वालिटी नहीं आती, और सही है, मेरे को भी लगता है क्वालिटी नहीं आती। मैं 1080 पिक्सल में डालता हूँ, फिर भी ना यार मोबाइल मोबाइल होता है, कैमरा कैमरा होता है। तो देखते हैं, भगवान की कृपा रही तो कैमरा आ जाएगा जल्दी, जब तक नहीं होता जब तक भाई एडजस्ट करके मैं मोबाइल से ब्लॉग बनाता हूँ और बनाऊँगा यार, क्योंकि मतलब पैसे आएंगे तभी लूँगा कैमरा, उधार करके लेने से कोई मतलब है नहीं। और बच्चे देखो भाई, वो बचपन में ऐसे बलून फुलाते हैं ना, शैम्पू सरप और अब से कुछ वो कर रहा है। सो ये है हमारे रेंट वाला रूम, देखो बाहर पूरा चौक है, और ये लेटरिन बाथरूम है, वो बाथरूम है जिस पे राहुल लिखा है वो लेटरिन का है। और यहाँ से चढ़ने की सीढ़ियाँ विड्डियाँ बनी हुई है, यहाँ हम अच्छे से चप्पल उप्पल खोलते हैं बढ़िया। और भाई बारिश स्टार्ट, और भाई बारिश स्टार्ट होगी, और बारिश स्टार्ट हो गई है, और वापस देखो भाई यहाँ पे अपने मस्त कूलर रखा जाता है, और अंदर आए तो ये भैया भाभी का रूम है, यहाँ पे कपड़े वपड़े सब कुछ रख देते हैं, और नीचे भी सामान ही रखते हैं, और नीचे भगवान जी की ताक है, और यहाँ पे एंगल है जिसपे कपड़े रखते से पड़ जाते हैं, और ये अलमारी है,
इसमें सभी सामान है ताकि फैले नहीं किसी कोई चीज। और ये कपड़ों का ढेर है, इसमें काम करना है, पता नहीं क्या है। और दूसरा रूम इधर ही गैलरी है जिसमें हम मतलब कबाड़ रख सकते हैं। और ये दूसरे वाला रूम है जहाँ वहाँ पे रोटी बनाने के लिए गैस वेस, और यहाँ पे फ्रिज, और उधर भी सामान वामान रखते हैं, उधर सभी चीज़ें। सो ये यहाँ का रूम। भाई आप सभी को मैंने हमारा प्यारा सा रेंट का रूम दिखा दिया है। रेंट पे ऐसे होता है जो मिलता है उसमें रहना पड़ता है। सो देखो, और भाई मतलब यहाँ पे ना व्यर्थ क्या है, रेंट के रूम में कुछ स्पेशल स्टूडियो बना भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, मतलब जैसा है वैसा रहना पड़ता है ये वहाँ। सो भाई आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे, ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि। और भाई आज से ना जो घर में जो भी एक्टिविटी होती है ना, कौन क्या कर रहा है सुबह शाम दिन में जो भी, वो वाली एक्टिविटी मैं ब्लॉग में शेयर करूँगा आपसे। सो ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ब्लॉग में सब आएंगे, मम्मी पापा भैया भाभी सब। तो एंजॉय करना, चलते नेक्स्ट ब्लॉग में। जब